नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। जी हाँ, कुवैत में आपको पता है पहले एक एक्सपर्ट पेटा नाम का बिल भी निकला था मजदूरों के खिलाफ में, जिसको बोल सकते हैं कुवैत में, और लगभग महीने भर पहले की बात है। खूब सोशल मीडिया पे खूब आपने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, मैंने भी न्यूज़ ये बनाई थी। तो उसका अभी क्या हुआ कि वो जो बिल है वो अभी पेंडिंग में पड़ा है, वो अभी उसका कोई मतलब मोहर नहीं लगी है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। वो संसद में बिल पारित हुआ था लेकिन पास अभी तक नहीं हुआ है। कोविड 19 जो कोरोना चल रही इसकी वजह से नहीं हुआ होगा, बाकी कोई रीजन इसमें नहीं बताया गया था। उसमें यह बताया गया था भाई जो जनसंख्या 70% है उसको कम करके 30% लाया जाए, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन 14-15 लाख है, बाकी पॉपुलेशन कितनी है भयंकर तरीके से 30-35 लाख, यानी बहुत ज्यादा इंडियन वर्कर या पाकिस्तानी सबसे ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं। आज एक अलग और कुवैत की सरकार की तरफ से एक न्यूज आई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, विस्तार से मैं बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन आपको यहां पे मिलती रहे। कुवैत सरकार ने, आपको पता है कुवैत का पेट्रोल डीजल पे चल रहा था सिस्टम, तो उसका सिस्टम बड़ा डाउन चल रहा है वहां पे, मनी इज प्रॉब्लम, ये सब जगह ही है। वहां का जो बिजनेस था, व्यापार था, वो ठप पड़ चुका है, कारोबार बंद हो चुके हैं। यहां वहाँ की इतनी सी है, बाकी इतना सा मतलब बहुत सारी जनसंख्या वहाँ पे बैठी है, तो हर इंसान को भी टेंशन हो जाती है। तो वहाँ के सांसदों ने भी इस मुद्दे पे प्रकाश डाला था कि भाई इनको कम किया जाए, हमें आगे चल के परेशानी हो सकती है। तो उसको देखते हुए वो तो चलो पेंडिंग में पड़ा है, लेकिन अभी सरकार ने एक और निर्णय लिया है। 3 कैटेगरी के लोग जो कुवैत से अपने अपने देश जा चुके हैं, चाहे नेपाल, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंडिया, चाहे बांग्लादेश, उनको 3 कैटेगरी के लोगों को वापस कुवैत नहीं आने दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो आप देख लीजिए 3 कैटेगरी कौन सी है। सबसे बड़ी मेन कैटेगरी है जिनकी एज 60 साल हो चुकी है या उससे ऊपर हो गई है, जिनके वीज़ा लगे हुए हैं, उनको अभी कुवैत सरकार इजाज़त नहीं देगी, यानी परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। जी हाँ, 60 साल के ऊपर वाले लोग नहीं जा सकते कुवैत में वापस, जो अपने देश आ चुके हैं। 60 साल का मतलब ये हो गया कि भाई जो लोग कुवैत से छुट्टी आए थे, जैसे इंडिया आए थे, अपने अपनी कंट्री आए थे, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि आपको पता है 6 महीने के बाद वीज़ा ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है, तो उन लोगों को वापस आने की इजाज़त नहीं मिलेगी, उनका वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। बाकी जो लोग हैं उनको विजिट वीज़ा पे कुवैत सरकार बुलाएगी, और वो कुवैत विजिट वीज़ा में जाने के बाद अपना जो कंपनी है, मालिक है, वो उनका वीज़ा एक्सटेंड करवाएगा, वो उनकी जिम्मेदारी रहेगी। ये प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस बता दूं, जो फेक कंपनीज हैं, जी हाँ, छोटी छोटी कंपनियाँ हैं फेक, मतलब वीज़ा निकाल देती हैं, पास पैसा लेके वीज़ा बेचती हैं वगैरह वगैरह, उनकी सरकार छानबीन करके उन जैसे वर्कर जो इंडिया वापस आए हैं उनको इजाज़त नहीं मिलेगी कुवैत जाने के लिए। एक अन्य था दैनिक श्रमिक होते हैं ना, जैसे इसको आप आज़ाद वीज़ा बोल सकते हैं, कि वीज़ा ले लिया, वीज़ा किसी दूसरे की चीज़ का है, घरेलू नौकर का है, काम बाहर कर रहे हैं वगैरह वगैरह, अन्यथा जॉब जाने वाले, इसमें ये लिखा है अदर प्लेस ऑफ वर्क, यानी दूसरी जगह जॉब करने वाले हैं, उनको भी सरकार पूरा सिस्टम बना के उनको भी भाई जो इंडिया छुट्टी आए हुए हैं उनको बैन करेगी, वो कुवैत उनको नहीं आने देगी। 3 कैटेगरी का मैंने बताया, एक 60 साल से ऊपर जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए, एक फर्जी कंपनियाँ जो वीज़ा बेच रही हैं उनको बैन किया जाएगा, तीसरा मैंने ये बता दिया। ये तीनों कैटेगरी के वीजाज को कुवैत सरकार बैन करेगी, वो कुवैत में नहीं आने देगी। जी हाँ, कुवैत में मैं बता दूं, कुवैत सरकार ने एक सिस्टम बनाया, उसके अकॉर्डिंग 70,000 लोग ऐसे हैं जिनके वीजा एक्सपायर हुए हैं पिछले कोविड 19 के दौरान। जी हाँ, 70,000 लोग कुवैत से अपने देश आए थे, जैसे इंडिया आए थे, वो वापस नहीं जा पाए, वो ऐसे 70,000 वीज़ा हैं जो वीज़ा एक्सपायर हो गए, उनमें से छटनी कर लेगी 60 साल ऊपर वाले, वो फर्जी कंपनी वाले, अनैध जॉब करने वाले, इन कैटेगरीज के लगभग भाई करेगी, तो आधे लोग बचेंगे, तो 70,000 में से 30-35,000 की छटनी हो जाएगी। हालांकि ये सिर्फ सरकार ने घोषणा की है, जो एक्सपर्ट पेटा बिल के बारे में की थी कि 8 लाख भारतीयों को निकालेंगे, उसी तरह से इसकी सिर्फ एक ये बयान आया है, हालांकि ये पुख्ता नहीं हुई है। अभी सरकार बोल रही है कि हम उनमें छानबीन करेंगे, हमारा सिस्टम मैनेज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किनको कुवैत बुलाना है, किनको वीज़ा कैंसिल करना है। ये आधिकारिक घोषणा हुई है, फाइनली नहीं हुआ, इसको आप मान सकते हैं।
तो मैंने आपको साथियों बता दिया, बस ये कुवैत सरकार अभी करेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें ताकि कुवैत से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।